इस व्लॉग में मैं आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। किस तरह का है ये ट्रेन, क्या इसमें सुविधाएं अच्छी हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस ट्रेन में हमें जो नाश्ता और भोजन मिला वो किस तरह का था, वो भी रिव्यू दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है, बने रहिएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे मैंने कहा था कि आपको इस चैनल में भारत से जुड़ी हुई व्लॉग्स, यानी हमारे भारत में जो परंपराएं हैं वो कैसे बनी, किस तरह से बनी, कहां से शुरुआत हुई, वो सब बताने वाली हूँ। और इस तरह के जो हम तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो उससे जुड़ी हुई ब्लॉग भी आती रहेंगी, जो आज मैंने डाला है। यह है वंदे भारत ट्रेन। इस ट्रेन में फैसिलिटी कैसी है मैं आपको बताती हूँ, चलिएगा। हमारे सीट के सामने ही ये एक डाइनिंग सेट की तरह ही आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर चाय, नाश्ता और भोजन सब कुछ कर सकते हैं। ये उसी के लिए ही दिया हुआ है। साथ में आप चाहें तो इसके ऊपर लैपटॉप भी रखकर काम कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते होंगे इसके ऊपर, उतना मुझे नहीं पता, मैं अपने तौर तरह से बता रही हूँ। तो हम बैठे थे वंदे भारत ट्रेन हैदराबाद टू तिरुपति। जी हाँ, ये तिरुपति स्टेशन पर ही जाकर रुकता है। ये करीबन सुबह 6 बजे है ये ट्रेन। कि देखिए, हमारे सीट के ऊपर इस तरह के ऑटोमेटिक लाइट्स दिए गए हैं। अगर अंधेरा है तो आप इस लाइट को जला सकते हैं, बटन दबाते ही ये लाइट जल जाएंगे और आप ऑफ ऑन कर सकते हैं इसे। सिकंदराबाद स्टेशन से तिरुपति स्टेशन पे जाकर रुकेगा। सुबह 6 बजे ये निकलेगा तो दोपहर 2:30 बजे वहां जाकर रुकता है। बहुत फास्ट जाता है। तो सुबह सुबह कम से कम 7 बजे हमें मिला चाय बिस्किट। देखिएगा, यहाँ पर हमें दिया गया है चाय, जिंजर चाय, और उसके साथ एक बिस्किट। अच्छा था ये। तो ये चाय पाउडर सब मिक्स किया हुआ है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्म पानी देते हैं, उसमें हमें डालकर हमें पीना है, अगर आप चाय पीते हैं तो। चलिए, हम चाय मैंने मिक्स कर दिया है और पीने के लिए तैयार है। पीने के लिए अच्छा ही था। चलिए मित्रों, वंदे भारत ट्रेन में फैसिलिटी किस तरह का है मैं आपको दिखाती हूँ। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो भी ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, और उस बटन आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ही खुलते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर जो व्यक्ति ने बटन दबाया, मैं आपको बटन दबाकर दिखाती हूँ। ये जो ब्लू कलर का बटन है उसे दबाने से ये देखिएगा, तो ये डोर खुलता है। तो वंदे भारत ट्रेन, इसका उद्घाटन हो के करीबन 1 साल आने को है। अभी 1 साल नहीं हुआ, अगस्त में वंदे भारत ट्रेन को लाया गया था। अभी सुबह का नाश्ता आ चुका है, करीबन 8:30 बजे है। तो नाश्ते में हमें क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक केसरी हलवा है, यानी शीरा है, और एक चिड़वा, खट्टा मीठा चिड़वा है, और ये प्लेन चूड़ा है। दो तरह के चूड़ा हमें मिले हैं, और एक स्वीट में शीरा यानी हलवा, सूजी का हलवा, साथ में इडली वड़ा दिया है। ये देखिएगा, एक नारियल की चटनी और उसके साथ सांभर, और दो इडली दो वड़ा मिले हैं। और ये नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सांभर है,
जैसे आंध्रा स्टाइल में नाश्ता मिलता है ना, उसी तरह का ये नाश्ता है। आंध्रा स्टाइल में ही ये दिया गया है। स्वाद भी अच्छा था ये। दो इडली, दो वड़ा और साथ में दो चिवड़ा और एक केसरी हलवा, तो काफी है ये सुबह के नाश्ते के लिए। तो नाश्ता हमने कर लिया, तो बाहर का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। आंध्र प्रदेश में हमें पड़ा एक व्यक्ति के लिए कॉस्ट 1700 रुपए, हैदराबाद टू तिरुपति। ये तंबाकू की खेती यहाँ पर हो रही है, दिखेगा बहुत सारे तंबाकू के खेती हमें दिखे यहाँ पर। तो दोपहर हो चुका है, करीबन 1 बजे हुआ था, 1-1.5 बजे हुआ था, तो भोजन हमें मिल चुका है। तो भोजन में हमें मिला 2 चपाती, एक दही और एक दाल था, और साथ में पनीर की लिक्विड जैसी सब्जी थी, और एक चटनी। चटनी कहने से मतलब आम आम का या मिक्सचर मिक्स अचार था, पूरा पेस्ट की तरह था, और एक नमक का छोटा सा पैकेट, ताकि आपको अगर और भी स्वाद चाहिए तो नमक आप डाल सके। तो देखिएगा इस तरह का है, पनीर की सब्जी लिक्विड जैसी, फिर भी अच्छा ही था भोजन ये। और एक सैनिटाइजर हमें दिया गया था, सुबह भी सैनिटाइजर दिया गया था, और अब भी हमें एक सैनिटाइजर का पाउच दिया गया है, ताकि हम अपने हाथ को साफ कर सके। भोजन के बाद एक आइसक्रीम भी हमें दिया गया था। भोजन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा लगा। भोजन में सब्जी और भी अच्छी हो सकती थी ऐसा मुझे लगा। दाल अच्छी थी, पर सब्जी में पनीर की सब्जी और भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। तो ट्रेन आ चुका है तिरुपति, हम पहुंच चुके हैं तिरुपति। तो अगले व्लॉग में हम कैसे गए, कहाँ पर रुके, जरूर बताऊंगी। बने रहिए।